वेलकम टू द करंट पॉइंट। आज है 31 दिसंबर 2019। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको पिछले दिन की वीडियो देखनी है, जाननी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है? तो कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला या मिसाइल MiG-27 था, ये भारतीय वायुसेना से फिलहाल में रिटायर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। अब गौरतलब है कि MiG-27 ने लगभग 38 ईयर्स तक भारतीय वायुसेना को अपने सेवाएं प्रदान करी। भारतीय वायुसेना के बोर्ड में साल 1985 में यह शामिल किया गया था तथा यह 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले कारगिल युद्ध में भी इसने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो हाल ही में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा एज्यूम किया गया है, ऐसा एक माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। अब ब्रिटेन के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने इस रिपोर्ट को ऐसा कहा है कि यह 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ निम्नलिखित में से किसने लिया? तो हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने इस बार शपथ लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दूसरे बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। यह शपथ 29 दिसंबर 2019 को हुआ। अब ये है हेमंत सोरेन, अब ये झारखंड से है, तो ये झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनता है तो मैं डिस्कस करता हूँ। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, अब मैप में झारखंड आपको यहाँ मिल जाएगा, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है? तो इस बार आकाशदीप सम्मान ज्ञान रंजन को प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन को हाल ही में आकाशदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके तहत उन्हें इस सम्मान के तहत उनको 5 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। अमिताभ बच्चन
बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान हेतु दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये है अमिताभ बच्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया? तो इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य LA है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। इसरो द्वारा भारत को पहले सोलर मिशन को आदित्य LA नाम दिया गया है। इस मिशन पर 6 पैलोड भी भेजे जाएंगे जो सौर मंडल में सूर्य की मौजूदगी से होने वाली प्रभाव एवं परिवर्तन का अध्ययन करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में देश के नए एवं सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च Mark 5 के जरिए अपने सबसे भारी और सर्वाधिक अत्याधुनिक संचार उपग्रह का परीक्षण किया है? तो इस बार सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च Mark 5 के जरिए अपने सबसे भारी और सर्वाधिक अत्याधुनिक संचार उपग्रह का परीक्षण किया है। इसमें चीन का नाम सबसे आगे है और इसने चीन सबसे पहले इसका परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। यह मिशन अंतरिक्ष में अत्यधिक संवेदनशील अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह सफल परीक्षण 2020 में मंगल ग्रह के लिए चीन की योजना की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रिनमिनबी। अब मैं आपको इंडिया के मैप में चीन दिखाता हूँ, वर्ल्ड के मैप में जस्ट चीन आपको इंडिया के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखेंगे गौर से अपने वर्ल्ड मैप में तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिंग चैम्पियनशिप का खिताब जीता है? तो इस बार महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिंग चैम्पियनशिप जीता है, तो उसका नाम है कोनेरू हेम्पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हेम्पी ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप में चीन की लेई टिगिज को ट्राइबेट कर सीरीज में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफ़ज़ई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्ष क्या है? तो इस बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई मलाला के जीवन पर आधारित एक मूवी रिलीज हो रही है या तो फिर एक फिल्म बन रही, उसका नाम है गुड मकई। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफ़ज़ई के जीवन पर आधारित फिल्म गुल मकई 31 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। अब मलाला यूसुफ़ज़ई ये हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने हाल ही में अवन गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा इस बार रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह मिसाइल परमाणु क्षमताओं से लैस है।
यह मिसाइल आवाज़ की 20 गुनी तेजी गति से उड़ सकती है। इस मिसाइल को 27 दिसंबर को सेना में शामिल कर दिया गया है। अभी रसिया में किया गया है, तो रूस की राजधानी मास्को और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। अगर आपको वीडियो सही लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।